तावड़े राज्यपाल से मिलने के लिए पहुंचे हैं। राजभवन पहुंचे हैं बिहार बीजेपी के प्रभारी तावड़े। बीजेपी के प्रभारी हैं विनोद तावड़े और वो राजभवन पहुंचे हैं बीजेपी की बैठक के बाद। तावड़े राजभवन पहुंचे हैं। प्रशांत झा ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत, क्या जानकारी है इस वक्त राजभवन पहुंचने का, कोई विशेष कारण? देखिए राम, जो जानकारी मेरे पास आई है उसके मुताबिक विनोद तावड़े जो बीजेपी के बिहार के प्रभारी हैं वो गवर्नर हाउस गए हैं। गवर्नर हाउस में जैसे कि जानकारी मिल रही है कि गवर्नर के साथ उनको डिनर करना है। लेकिन ये सबसे बड़ी खबर यह है कि जब यहाँ पर सियासत के बदलने की बात चल रही है, ऐसे में बिहार बीजेपी के प्रभारी का राज्यपाल के पास जाना, राजभवन जाना और राज्यपाल के साथ डिनर करना, ये एक बड़ी खबर है। और इसको इस रूप में भी देखा जा सकता है कि जो विनोद तावड़े अभी गए हैं तो ये डिनर के साथ साथ जो राजनीतिक घटनाक्रम बिहार में है उस पर भी उनकी चर्चा होगी। और जैसा कि सूत्र बता रहे हैं कि कल, क्योंकि अब तक की जानकारी के मुताबिक कल शपथ ग्रहण नीतीश कुमार का हो सकता है एनडीए के साथ, ऐसे में विनोद तावड़े का जाना बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। बिल्कुल, काफी महत्वपूर्ण इस वक्त विनोद तावड़े का वहां पर पहुंचना माना जा रहा है। लेकिन इससे पहले बीजेपी की बैठक में वो शामिल थे और अभी कुछ ही देर पहले बीजेपी की बैठक के तुरंत बाद उनका जाना, ये क्या बताता है? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि विनोद तावड़े अब तक ये किसी को जानकारी नहीं दी गई थी कि वो राजभवन जा सकते हैं, लेकिन अचानक जब वहां से सारे लोग हट गए हैं उसके बाद विनोद तावड़े की गाड़ी वहां पहुंची है और पहले से तय कार्यक्रम के हिसाब से विनोद तावड़े सीधे राजभवन गए हैं। राज्यपाल के साथ वो अभी बैठे हैं और ये जो आपको बता देना इसमें कि नीतीश कुमार इंतजार करते रहे कि बीजेपी उनको अपना समर्थन पत्र देगा और उसके बाद वो जाएंगे राजभवन, लेकिन इस बीच में अगर विनोद तावड़े चले गए पहले तो इससे ये साफ जाहिर होता है कि जो पूरी रणनीति है बीजेपी की वो कहीं ना कहीं से सामने आ गई है। और इसकी जानकारी जो मेरे पास सूत्र बता रहे हैं कि सीएम हाउस को भी नहीं थी कि आज विनोद तावड़े जाएंगे राजभवन और वहां उनका राज्यपाल के साथ डिनर है, लेकिन जिस तरह से वो गए हैं और उसके बाद ये खबर क्षण के बाहर आई है कि विनोद तावड़े राजभवन पहुंच गए हैं और राज्यपाल के साथ उनकी बैठक चल रही है, तो ऐसे में ये माना जा सकता है कि कल जो शपथ ग्रहण वगैरह की जो तैयारियां चल रही हैं उस पर भी उनकी बातचीत होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत आपका इस पूरे अपडेट के लिए।